नहीं बोलिए, नहीं बोलिए, आपने ऐसे किया ना, कुछ बोलना है तो फिर तो रेस्ट करिए। ऐसे क्यों किया मेरे को, ऐसे मुझे ही कर रहे हैं आप अभी, आपने किया ऐसे करके उनको बुलाओ क्यों? लास्ट ब्लॉग का ही कंटिन्यू है क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी है, तो मैंने सेकंड ब्लॉग बनाया है और अभी मैं मैंगलोर स्टेशन पे हूँ, मैंगलोर जो कर्नाटका में पड़ता है। और अभी मैंने 12 आवर्स की जर्नी कंप्लीट करी है और मेरा खाना भी हो चुका है। स्टार प्लस में हो रहा है। हाँ, मेरा प्रोग्राम में पेरेंट ना डांस प्लस में जा रहे हैं। ट्रेन की चाय, ट्रेन में आए और चाय नहीं पी तो क्या। वैसे मैंने बोला था कि मैं गोवा दिखाऊंगी, पर मैं मॉर्निंग में जगी, वैसे तो बहुत नींद से आ रही थी और मॉर्निंग में जगी तो गोवा में बहुत बारिश हो रही थी, मेरा मन ही नहीं करा बिल्कुल भी बाहर निकलने का और थक भी गए थे तो मैं सो गई। जिसके लिए एक्साइटेड थी वही जगह निकल गई। तो कोई नहीं, अभी मुंबई महाराष्ट्र स्टार्ट हो गया है और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, आप देख सकते हो। अभी तो दीवार आ गई है, पोपट कर दिया। कोई नहीं, अभी आएंगे तब दिखाएंगे। रत्नागिरी जो कि मुंबई में है और इसके बाद हम सारे मुंबई के स्टेशन कवर करेंगे। अब हम पनवेल पहुंच चुके हैं जो मुंबई में ही है, सेकंड स्टेशन है यहाँ का और ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हम लोग बड़ा पाव ट्राई करेंगे, बड़ा पाव खाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, यहाँ पर तो ट्राई करना ही पड़ेगा। मास्क लगाते हैं पहले। और इधर है कैमरा, कैमरा इधर इधर। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तालियां। हाय बाय। हाय बाय। फिर मिलोगे? हाय गाइस, तो ये रात के अभी 11:30 हो गए और हम अभी भुसावल पर हैं। ये महाराष्ट्र में आता है तो मैं हम लोगों ने बस नॉर्मल खाना वाना खाया था, उसके बाद मैं मूवी देखने लगी और मूवी देखते देखते खो गई, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी हम यहाँ महाराष्ट्र क्रॉस कर जाएंगे रात को और हम अपने एरिया में यानी कि MP में। तो आज का सफ़र काफ़ी अच्छा था, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, मतलब कोंकण रेलवे का सारा व्यू देखा, बहुत ही अच्छा नज़ारा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था। गोवा रह गया क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी मॉर्निंग में, तो मैंने नहीं लिया ज़्यादा, बट बाकी था सब अच्छा था। अब नेक्स्ट जब वापस आएंगे तब देखते हैं, तब गोवा को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कुछ भी।
और हमारे सारे जो भी को पैसेंजर थे अब सारे जा चुके हैं, सारी सीट्स खाली हैं, बस एक ये अभी नए कोई आए हैं वही हैं, मतलब अभी अभी आए हूँ। बाकी के तो हम लोगों ने नाइट में बहुत इन्जॉय किया, मैंने कुछ रिकॉर्ड किया, कुछ तो छूट गया क्योंकि वो लोग थोड़ा मतलब मस्ती मस्ती में रह गया, और वहाँ पे भी मतलब पूरा अलग ही माहौल था। ट्रेन में मैंने आज तक इतना सफ़र किया बट ऐसा वाला माहौल कभी नहीं था, इस बार तो बहुत मज़ा आया। ऊपर से ब्लॉगिंग की वजह से तो और भी अच्छा लगा, पता ही नहीं चला ट्रेन का सफ़र 2 दिन हो गए और कब निकल गया, लग ही नहीं रहा 2 दिन हो गया, बस नहाए नहीं है इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बाकी का सब सही है। और चलो तो फिर कल मिलते हैं, अभी रेस्ट करते हैं, मूवी देखूंगी और सो जाऊंगी, फिर मिलते हैं कल अपने एरिया में। MP गुड नाइट। वेलकम बैक। अभी हम हैं झांसी पर और अब ज़्यादा सफ़र नहीं है, बाकी थोड़ा ही रह गया है, तो अभी बस ग्वालियर आएगा उसके बाद आगरा। तो आई एम सो हैप्पी कि हम लोग घर पे पहुंचने वाले हैं पूरे 3 दिन बाद, 48 आवर्स की जर्नी और वो भी उससे भी ज़्यादा। तो अभी हमारी ट्रेन करीब 2 घंटे लेट चल रही है और अभी हम झांसी में। क्या बोल रही थी, भूल गई, अब बाद में बात करते हैं, कुछ खा लेते हैं और चलो फिर दिखाती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको नहीं बताई, वो रात को कुछ सीन हुआ था जो मुझे काफ़ी थोड़ा अजीब लगा, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी बट बाद में, अभी नहीं। अभी हम लोग झांसी का स्टेशन एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं। तो मैंने कुछ ले नहीं पाया और तब तक ट्रेन चलने लगी, बस बोल ही पाया। अभी देखती हूँ नेक्स्ट स्टेशन पर कुछ खाएँगे, नहीं तो जो हमारे पास है स्नैक्स हम वही खाएँगे। ग्वालियर में जहाँ पे मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, यहाँ रुक भी सकते हैं पर अभी मैं सीधा घर ही जाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया और मुझे अपना सफ़र भी पूरा करना है आगरा तक का। तो अभी बस ट्रेन 5 मिनट के बाद चलने ही लगेगी, अभी जल्दी ही आ गई है, थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा फास्ट हो गई थी और कुछ प्रॉब्लम भी है ट्रेन में, मतलब कुछ चेकिंग वैकिंग चल रही है, पता नहीं क्या हुआ है। तो चलो हम लोग ट्रेन के अंदर ही चलते हैं, इधर ही घूमते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। आगरा पहुंच चुके हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये जर्नी बहुत अमेजिंग थी, मतलब 3 डेज हो गए बट बिल्कुल भी आपसे बात करते करते नहीं लगा कि इतनी लंबी जर्नी थी, मतलब बहुत ही जल्दी गुजर गई। और अब मिलते हैं घर पे पहुंच के। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इंसिडेंट हुआ था तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी मैं घर पर पहुँच चुकी हूँ और मैंने शावर भी ले लिया, स्टेशन पर काफ़ी नॉइज़ था तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आके मतलब घर पर आराम से ही बात करूँगी। और सही बताऊँ तो मैं क्लियर भी नहीं थी कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं, तो अभी मैं श्योर हूँ, मुझे लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए। तो हुआ क्या था, एक लड़की थी जो केरला से ही थी, मैं अपना चिल करके मूवी देख रही थी
तो एक लड़की आती है, बोलती है कि क्या मैं ये सामने वाली सीट ले लूँ? तो मैंने कहा हाँ ले लो, कि कोई इस पर नहीं है। तो मैंने बोला हाँ नहीं कोई नहीं है, आप ले सकते हो। तो उधर शिफ्ट हो गई, तो मुझे भी नॉर्मल सा ही लगा, मैं अपना चल करके फिर से मूवी देखने लगी। तो फिर वो थोड़ी देर बाद फिर आती है और बोलती है कि क्या मैं आपकी सीट पर बैठ जाऊँ? तो मैंने कहा हाँ बैठ जाओ, पर मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उसने बोला कि हाँ, मतलब वो लड़का मुझे परेशान कर रहा है। तो फिर क्या मेरे अंदर की और अच्छा गई। तो फिर मैंने उसको पूछा कि नहीं कोई नहीं, आप इधर बैठ जाओ, और मैं जो सीट पर वो बैठी थी मैं उस पर बैठ गई। फिर वो लड़का शिफ्ट हो गया, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो फिर हम लोग बैठे रहे थोड़ी देर तक, और वो मुझसे ही बोल रहा है कि उस लड़के को बुला दो। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा लाइट ऑन करना, लाइट ऑफ थी क्योंकि नाइट थी। तो मैंने बोला लाइट ऑन करो, और मुझे सच में गुस्सा आया। तो मैंने उसको बोला कि क्या प्रॉब्लम है, फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया। मुझे लगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि मैं ब्लॉक कर रही थी तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा। तो फिर जो रिकॉर्ड हुआ वो आप देख सकते हो। एक मिनट, लाइट ऑन कर देना थोड़ा, लाइट ऑन कर दो, वो वाला है ना बड़ा वाला, उससे ऑन कर दो। नहीं बोलिए, नहीं बोलिए, आपने ऐसे किया ना, कुछ बोलना है तो फिर तो रेस्ट करिए। ऐसे क्यों किया मेरे को, ऐसे मुझे ही कर रहे हैं आप अभी। आपने क्या ऐसे करके उनको बुलाओ, क्यों? वो मेरी फ्रेंड है, हम लोग तो दोनों फ्रेंड ही है। क्या करते हो आप, और भी अच्छा है फिर आपके लिए। क्या हुआ, क्या बोल रहा है? वेरी गुड, होने भी नहीं किया ना, मतलब इनको अगर प्रॉब्लम है तो फिर गलत बात है ना। प्रॉब्लम है आपको, पूछो ना उनसे, प्रॉब्लम हो रही है इसलिए तो। आप मेरे सामने ऐसे बोल रहे हो, आपने अभी मेरे को ही बोला है, रिकॉर्ड भी हो गया, अभी दिखाऊं क्या? आप एक दो ड्रिंक करके चल रहा हूं, पूछ रहा हूं, परमिशन लिया मैंने ऐसे थोड़ी, तो परमिशन नहीं दे रही, आप बाद में करना। हाँ मतलब आप भी तो केरला से ही चढ़े हो ना, तो अभी आप, मैंने देखा ही नहीं कहाँ पे थे सीट पे। ओह तो कल से आप उधर हो। और ये नहीं, मतलब आपको अभी मिले ही? हाँ तो आपने पूछा था, तो मैंने कहा इधर बैठ जाओ आप करके, मतलब आपने उधर के लिए पूछा था इधर कोई है? मैंने कहा आप शिफ्ट हो जाओ अभी, सब पूरा तो फैमिली तो, था ना? नहीं नहीं, आप वो तो दूसरा ही है। ओके वो तो आगे ले तो सब बातें, दूसरा भी तीन लोग आया था पहले भी, इसलिए नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन फ्रेंड से बात नहीं कर रहे भैया, कौन फ्रेंड है आपका? आप खुद ही मेरे आपको लगता है ट्रेन में पी के निकलना चाहिए। किसने बोला मैं पी रही थी? ओ सबको अभी स्मेल आ रही थी, मैंने एंजॉय एंजॉय कर रहा था। एंजॉय करो अपना, अकेले करो, वहाँ जाके जो सीट है ना वहाँ पे जाके बैठ के। लेकिन क्यों भाई ऐसे परेशान करते हैं हम सबको? आपको परमिशन पर परेशान क्या किया बताया आपको? मैं तो इधर बैठा, आप क्यों थी? आपने ऐसे करके आप चार पाँच मिनट से हाथ दिखा रहे हो, हाय बोल रहे हो, आप बोल रहे हो इनको बुला, आपको नहीं उनको नहीं क्या होता है? आप बोल रहे हो ना वो मैरिड है, उनकी एक बच्ची भी है, आपको नहीं पता? आप तो बोल रहे हो आपकी फ्रेंड है, अभी कैसे हो गया आप, आपको नहीं पता? भाई मेरे को बात नहीं करनी, टीके रखी है ना। हाँ तो बस टॉपिक वही खत्म हो गया, आप रात को कुछ भी करोगे मॉर्निंग में याद करोगे। कोई नहीं बोल रहा एक्स्ट्रा, यहाँ पे आने की जरूरत है, ये सीट नहीं है ना तुम्हारी, मेरी कोई भी सीट हो लेकिन एक्स्ट्रा मत बोलना, ठीक है एक्स्ट्रा आपकी मत बोलना। तो ये सब दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको पता चले कि ट्रेन में ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसी कभी सिचुएशन होती है तो आप अपने को पैसेंजर से हेल्प ले सकते हो, या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो जो है 182। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ये नंबर पहले नहीं पता था, जब ये सब हुआ तो मैंने सर्च किया तब मुझे पता चला, और हमें कोई भी हार्म नहीं हुआ क्योंकि उसने आके, उस लड़के ने भी आके हमसे बाद में सॉरी बोला, तो बाकी नॉर्मल हो गया था। वो लड़की भी सेकेंड स्टेशन पर उतर गई थी क्योंकि उसके कोई जो रिलेटिव्स थे वो लेने आ गए, और बाकी की जर्नी बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई होप आप लोग को भी आया हो। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।